मैं कमला हसन जी का इंटरव्यू सुन रहा था। मुझे शॉक लगा। एक तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ग्रेट लेजेंडरी एक्टर हैं, बहुत अद्भुत एक्टर हैं। उनकी बिटिया ने हमारे साथ करियर शुरू किया था लक फिल्म में, श्रुति ने, मेरी अच्छी मित्र हैं दोनों। अक्षरा भी, उनकी छोटी बिटिया भी मेरी लाली की शादी में, लड्डू की शादी में, लाली की शादी में लड्डू दीवाना, वो फिल्म में भी अक्षरा भी थी। तो मैं शौक रहा कि ये शब्द नहीं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। देश में सेंसिटिविटी बहुत है, इस देश में बहुत संभाल के कलाकारों को, सुपरस्टारों को, सीनियर्स को अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, किससे डिवीजन होता है, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, किससे मन में अजीब प्रकार की भावनाएं जागृत हों, या कम्युनल राइट्स हों, या ऐसी कोई चीज़ को हम लोगों को, इस भारत को जो इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव, पूरा देश एक आतंकवाद से गुजर रहा है, देश बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, बहुत तकलीफ़ों से, 125 करोड़ की आबादी है, 26,000 भाषाएँ हैं, इतने सारे जात बिरादर हैं, उसमें ऐसा हम लोगों का काम है कि उसको जोड़ के चलना, ना कि उसमें एक नई चीज़ को और बीज देना या हवा देना। तो ये कलाकारों को, क्योंकि हम लोग हीरो हैं, हम लोगों की हीरो की इमेज है, लोग हम लोगों से सीख लेते हैं, लोग हम लोगों से एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों को, पूरे देश के सभी कलाकारों को, मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों का चयन जो जरा सा फैन फॉलोइंग रखता है, दायित्व रखता है, जिसका असर होता है समाज पर या फैंस पर या क्राउड पर या देश की जनता पर, उनको अपने शब्दों का चयन बहुत संभाल के करना चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, मेरे पिताजी हों, कमल हसन हों, या देश का कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको ऐसी कोई भाषा या ऐसी कोई बगैर जानते हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए, जस्ट एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, या अपने कुछ राजनीति के एक अलग प्लेटफॉर्म बनाना है आपको, तो बहुत सारी और भी टॉपिक्स हैं जिसको आप छेड़ के हंगामा कर सकते हैं, ना कि एक भगवा आतंक है। ऐसा कोई शब्दों का इस्तेमाल हमको नहीं लगता कलाकार बिरादरी को करना चाहिए। आपको लगता है कमल हसन साहब का ये, नहीं उनके मन में वो क्या सोच रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम कलाकारों को, हम लोगों का काम एंटरटेन करना, ना कि हम लोगों को किसी और गलत रास्ते पर या गलत सोच की तरफ देश को या अपने आवाम को लेके जाना चाहिए। थैंक यू।